हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ मूंग दाल के टोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस टोस्ट को मैं बिना ब्रेड के बनाऊंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं मूंग दाल का टोस्ट बनाना। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटा बॉल, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मूंग की दाल। तो ये छिलके वाली मूंग की दाल है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा कप। और इस दाल को हम बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, तो मैं इसे धो लेती हूँ पहले। और यहाँ पर मैंने दाल को बहुत अच्छे से धो लिया है, और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने दाल में पानी डाल दिया है धोने के बाद, ताकि दाल बहुत अच्छे से फूल जाए। तो इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पर जो मैंने छिलके वाली दाल भिगोई थी वो बहुत अच्छे से फूल गई है, क्योंकि 3 से 4 घंटे हो गए मुझे इसे रखे हुए। और इसका अब हम पानी अलग करेंगे, तो एक छलनी में डाल के मैं इसका पानी अलग कर लेती हूँ और दाल को अलग कर लेती हूँ। दाल का यहाँ पर मैंने पानी अलग कर लिया है, और इस दाल को अब डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी दाल को इस जार में डाल दे रही हूँ, और अब इस दाल को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे दाल का, और अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए दाल को ग्राइंड कर लिया है, और इस दाल को निकाल लेंगे एक बोल में। तो यहाँ पर मैं दाल को एक बोल में निकाल लेती हूँ। दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून के करीब सूजी, यानी कि 1/4 कप के करीब सूजी डाल रही हूँ मैं इसमें। सूजी डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। सूजी और दाल को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज अभी नहीं किया है, लेकिन दाल के पीसते समय मैंने 1/4 कप के करीब पानी का यूज किया था। और अब इस सूजी और दाल के बैटर को हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी हमारी फूल जाए अच्छे से। तो मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। 10 मिनट हो गए हैं सूजी और दाल को रखे हुए, और देखिए थोड़ी थिक हो गई है ये, क्योंकि सूजी फूल गई है। तो इसमें अब डाल रही हूँ मैं 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो हरी मिर्च यहाँ पर आप टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच के करीब ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स डालेंगे स्वाद के अनुसार, या फिर स्किप भी कर सकते हैं इसे। और इसमें डालेंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच के करीब, जिससे कि बहुत ही चटपटा बनेगा ये। और इसमें डाल लेते हैं नमक स्वाद के अनुसार। तो 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है मैंने यहाँ पर। सभी चीज़ें डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला लेना है, पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें ये बैटर बहुत ही ज़्यादा थिक चाहिए। अगर आपको लगता है कि बैटर आपका गीला हो गया, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सूजी और मिला सकते हैं, जिससे कि बैटर प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और ये मिक्स कर दिया मैंने सभी चीजों को अच्छे से। और गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा चढ़ाया है, गैस के फ्लेम को मीडियम से लो रखते हुए। और इसमें आप डालेंगे तेल, बटर या घी। तो 1 चम्मच के करीब इसमें तेल, बटर या घी कुछ भी डालेंगे, जो भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं घी का यूज कर रही हूँ, और इसे फैला लेंगे। और जो बैटर हमने बना के रखा हुआ है, इसमें बैटर डालेंगे। तो 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं बैटर का यूज़ कर रही हूँ, और बैटर को हमें फैला लेना है। बैटर को अच्छे से फैलाने के बाद इसे हम स्क्वायर शेप देंगे, जैसे कि ब्रेड के स्लाइस जो होते हैं उसका शेप होता है, बिल्कुल वैसा ही शेप देना है इसे। तो स्पैचुला की हेल्प से इसे हम ऐसे शेप दे देंगे।
और देखिए यहाँ पर मैंने इस मूंग दाल के बैटर को स्क्वायर शेप दे दिया है, बिल्कुल ब्रेड के स्लाइस के शेप जैसा। और इसको हम ढक देंगे अब। तो यहाँ पर मैं इसे ढक रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद पलटकर हम इसे दोबारा से दूसरी तरफ से सेक लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये टोस्ट हमारा नीचे से बहुत अच्छे से सिक गया है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया इसके ऊपर। तो मैं इसे दोबारा से ढक रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और नीचे से भी ये दाल का टोस्ट हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें इस सभी को बनाकर सेक लेना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही कम तेल का भी यूज़ किया है मैंने। तो मैं सभी बिल्कुल ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैं दोबारा से दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाया मैंने। तो इसमें डालेंगे तवे पर 1 चम्मच के करीब तेल, और जो हमने बैटर बना के रखा है उसे एक बार पहले अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बैटर, ये 3 बड़े टेबलस्पून के करीब इस तरीके से, और फैला लेंगे इसे। और स्पैचुला की हेल्प से इसे शेप दे देंगे। और देखिए प्रॉपर अपने आप ही ये शेप में पहले से ही है। ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, मोटा थोड़ा पकने में टाइम लेता है, तो इसे हम थोड़ा पतला ही बनाएंगे। तो ये देखिए स्क्वायर शेप में आ गया है। यहाँ पर मैंने दाल के टोस्ट को शेप दे दिया है, और इसे मैं ढक देती हूँ फिर से 3 मिनट के लिए, और दोबारा से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो जैसे हमने पहले से पकाया था बिल्कुल वैसे ही पकाना है। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दाल के सभी टोस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं, और देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसे हमने केवल दाल से बनाया है। तो इस तरीके से आप टोस्ट जरूर ट्राई कीजिए, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इन टोस्ट को आप चटनी, केचप किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व करें, या फिर इसको कट करके सर्व करें। तो अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये दाल के टोस्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।